नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए ये दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है, क्या क्या इसमें अनुकूल और प्रतिकूल हमें फल प्राप्त होंगे, क्या क्या उनका समाधान हो सकता है, किन किन चीज़ों से हम बचें और क्या क्या उपाय करें, तो सिंह राशि वालों के नवम स्थान के अंदर बृहस्पति विद्यमान है। और ये बृहस्पति पूरे साल भर चलने वाले हैं, तो इनका जो अच्छा फल है, बृहस्पति सदा ही अच्छा फल देते हैं और नवम स्थान में तो विशेष करके अच्छा फल देते हैं, क्योंकि नवम स्थान के ये कारक भी होते हैं और धर्म और बुद्धि के कारक भी होते हैं। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति बनाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे और संतान की प्राप्ति में अगर किसी प्रकार का अवरोध है तो वो दूर करेंगे। संतान की प्राप्ति के सुयोग आपको प्राप्त होंगे, बनेंगे, बुद्धि अच्छी रखेंगे, सात्विक और धार्मिक बुद्धि रहेगी। पढ़ने वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा और सुंदर फल देने वाला है। शनि आपके सप्तम स्थान में विद्यमान है, तो स्थान हानि करो, जीवा स्थान वृद्धि करो। शनि तो शनि जहाँ पर है, स्थान की वृद्धि करेगा तो वहाँ पर कोई नया व्यापार आपको करवा सकता है और सगाई संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। बुद्धि में क्रोध रहेगा, उसके ऊपर कंट्रोल करना आपका काम है। थोड़ा सा भूमि भवन आदि के ऊपर ये कोई विवाद उत्पन्न कर सकता है। बाकी राहु आपके अष्टम स्थान में है, कोई भी गाड़ी चलाते हुए तेज गति के वाहन से आपको सुरक्षा बरतनी है। कहीं भी कोई हड्डी की चोट हो सकती है, धन की क्षति हो सकती है, इसलिए आपको सुचारू रूप से इस महीने को निकालना है। अब 16 दिसंबर को सूर्य जो है आपके पंचम स्थान में आएंगे और पंचम स्थान में आया हुआ सूर्य बुद्धि के लिए, विद्या के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए अच्छा फल देने वाला होगा। अब दैनिक राशि फल की तरफ चलते हैं। 1-2-3 तारीख ये आपके लिए ठीक नहीं है, अर्थात इसमें पैसे का विशेष करके ध्यान रखें, कोई भी नुकसान हो सकता है। 4-5-6-7-8-9-10 ये 7 दिन आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद हैं, इज्जत मान को बढ़ाने वाले हैं, यश और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं, परिवार के अंदर समाज के अंदर अच्छा माहौल ये उत्पन्न करने वाले हैं, भाइयों से अच्छा सहयोग, अच्छा संबंध आपका जो है बना रहेगा। और अब इसके अलावा 9-10 तारीख ये थोड़ा सा मन इसके अंदर खिन्न रहेगा, बाकी 11-12 तारीख आपके लिए श्रेष्ठ है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, सबके लिए ये ठीक जाएगा। और इसी के साथ अब 13-14-15 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के कारण से कोई भी ऐसा कारण बन सकता है जिससे किसी के साथ कोई विवाद या दुश्मनी हो जाए, तो उससे बचना आपका काम है। 16-17 तारीख आपके लिए ठीक है। 17-18-19 तारीख को स्वास्थ्य आपका नरम रह सकता है और इसमें विशेष करके ध्यान रहे, कोई दूर की यात्रा है तो उस यात्रा को आप जो है स्थगित करें और जो भी आपको कार्य आपने सोच रखा है उसको जो है आगे के लिए बढ़ा दिया जाए। इसी के साथ अब 22-23 तारीख, 24-25-26-27 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद हैं, आपके भाग्य को बढ़ाने वाले मार्ग आपको इस समय पर प्राप्त होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, कोई भी राजकाज आपका संपन्न होने वाला है। लेकिन 28-29-30 तारीख को विशेष करके खर्चों की तरफ ध्यान रहे, किसी प्रकार का ऐसा कोई खर्चा ना हो जाए जो कि आगे नुकसान में चला जाए, किसी का देन लेन ना करें,
31 तारीख आपकी बहुत सुंदर है। तो ये जानकारियां हमने आपको दी, बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।